Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. तो आज है छठ पूजा का पहला दिन है. ये टोटल 4 दिन का फेस्टिवल होता है. वैसे मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगी आगे कि क्या होता है इसमें, कैसे कैसे होता है. तो आज इसका डे फर्स्ट एंड आज नहाए खाए है एंड जो भी रिचुअल्स होंगे मैं सबको शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, फटाफट मैं नहा धो के रेडी हूँ एंड ये है मेरा आज का आउटफिट. लेट मी शो यू. सो दिस इज़ द आउटफिट जो कि मैंने आज वेयर किया है. टोटल 4 दिन का फेस्टिवल होगा ये एंड टोटल जो 4 दिन होंगे मैं सभी ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में. सो स्टे ट्यून्ड एंड या लेट्स गेट, चलते हैं नीचे एंड देखते हैं कि क्या सीन है अभी खाना वगैरह बनाने का. जो भी है मैं सबको शेयर करने वाली हूँ. तो या लेट्स गेट स्टार्ट. ऑलरेडी मम्मी बहुत देर से आवाज़ दे रही है. सो चले. और आज ही नहाए खाए. बहुत लोग कद्दू भात भी बोलते हैं आज का जो डे फर्स्ट होता है उसको. तो जिसने भी फास्टिंग करनी है उसके लिए खाना बनेगा. इस पर सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है पूरी एंड जिस पर रेगुलरली खाना बनता है उस पर खाना नहीं बनेगा. ये न्यू गैस है, स्टोव है, इस पर खाना बनेगा. तो इसकी पहले पूजा होगी एंड फिर उसके बाद इस पर खाना बनाया जाएगा. जिसने भी फास्टिंग करनी है उन सब के लिए इसी पर खाना बनेगा. तो स्पेशली आज चने की दाल एंड कद्दू की सब्जी बहुत ज़्यादा मतलब मेन होता है इसमें जो खाना बनता है आज. और यही खाना है उनका, दूसरा कोई चीज़ नहीं खाएंगे जो भी फास्टिंग करने वाली वुमेंस है. उनको यही सब खाना होगा आज. तो चावल वगैरह चढ़ा दिया था मैंने एंड फिर दाल की प्रिपरेशन चल रही थी. तो चने की दाल इज़ मस्ट, कंपलसरी है, चने की दाल ही खानी होती है आज. तो ये छठ पूजा जो होता है इसमें हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, लाइक उनकी पूजा करते हैं एंड उनकी वाइफ उषा जिनको छठी मैया बोला जाता है हम उनकी भी पूजा करते हैं एंड इसमें उनको थैंक यू बोलते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू, लाइक इस फास्टिंग के थ्रू या जो भी हम लोग कर रहे हैं रिचुअल्स वो सब के थ्रू उनको थैंक यू बोलते हैं एंड जो एनर्जी हमको उनसे मिलती है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इस अर्थ पे, लाइक सूर्य देव है तो अर्थ है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है. तो उनको थैंक यू कहा जाता है इस पूजा के थ्रू, इस फेस्टिवल के थ्रू, कि जो भी आपने हमको दिया है या दे रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड साइंटिफिकली प्रूवन है ये फेस्टिवल क्यों, इसका मैं आगे रीज़न बताऊंगी साइंटिफिकली प्रूवन क्यों है हम इनकी पूजा क्यों करते हैं. तो इसमें इस फेस्टिवल में बहुत नियम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नियम का पालन करना होता है एंड क्लीनिनेस भैया सबसे टॉप पे आती है. तो अभी यहाँ पे चावल धुल रहे हैं, चावल धुल के फिर मैंने चढ़ा देना है उसको. तो जैसे कि मैंने कहा था क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड इसमें नियम वगैरह बहुत अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके नियम हैं. एंड ये फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है या ये बहुत 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 पहले से हो रहा है, लाइक महाभारत के टाइम से हो रहा है. लाइक द्रौपदी ने भी किया था ये फेस्टिवल. अगर आपको नहीं पता है तो आप हिस्ट्री में जाके एक बार गूगल कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उससे. तो मैंने कद्दू वगैरह मैंने तो कट नहीं किया था, मतलब मैंने अपनी मदर इन लॉ से हेल्प लिया था, उन्होंने कट वगैरह करके दिया था मुझे एंड मतलब पूरे घर के लिए इकट्ठे खाना बना था इसलिए क्वान्टिटी कुछ ज़्यादा ही दिख रही होगी आपको. एंड ये मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ अपने घर का, शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ. तो खाना वगैरह बन गया था, फिर मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है. मम्मी नहा धो के पूजा वगैरह करेगी अभी जल वगैरह चढ़ाने के बाद, उसके बाद मम्मी खाना खाएगी. जो खाना आज बना है कद्दू की सब्जी, चावल, चने की दाल, यही मम्मी को खाना है एंड उसमें सेंधा नमक वगैरह डाला गया है. बाकी कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं खा सकते हैं आज. अदरक नहीं खाया जाता है आज. बहुत सी चीज़ों का आज से मतलब एकदम मना हो जाता है कि नहीं खाना है. तो आज से ही फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है. टोटल 4 दिन का होता है. इतना मज़ा आता है इस फेस्टिवल में, लाइक OMG बता नहीं सकते. हम बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं ना, तो अगर कभी नहीं होना तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसा फील होगा. इसलिए एकदम मतलब लाइफ का हिस्सा बन चुका है ये फेस्टिवल और बहुत अच्छा भी लगता है, इतनी अच्छी वाइब आती है. ओके, सो डन विद ऑल द रिचुअल्स. जो भी रिचुअल्स होनी थी फिलहाल हो चुकी है आज की. फिलहाल आज के दिन जो भी होना सब कुछ हो चुका है. अब मैं दिखाती हूँ अपने रूम का मैस क्या हाल था. मतलब मैं सुबह सुबह नहाई, इतनी ठंड है यार, आई कांट टेल यू. इतनी ठंड में नहा धो के रेडी हो गई नीचे जाना एंड फिर जो भी खाना वाना बनाना था सब कुछ हो गया. जिसने जिसने फास्ट करना है वो लोगों ने खा लिया है एंड फिर बाकी सबने भी खा लिया है. पहले मैस देख लो उसके बाद की चीज़.
सो ये मेरा मैसेज, जो कि मैंने सुबह सुबह पूरा जैसे तैसे सामान वामान सब कुछ फेंक दिया था, फटाफट रेडी हुए निकले। वैसे मैं रूम में कुछ भी नहीं किया, मैंने जो मेरा सामान वगैरह था सब कुछ जस्ट वैसे ही रखा हुआ है। बाकी मैंने कुछ डेकोरेशन नहीं किया, कुछ थीम वगैरह कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही रखा हुआ था सब कुछ। क्योंकि यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ करके मतलब एकदम मेरे को लगाने को मतलब नहीं है। सो लेट इट बी एंड हियर एम आई। तो यहाँ पे चूल्हा बनाया जा रहा है, जो कि कल प्रसाद बनेगा। कल खरना है तो खरना पे चूल्हा पे ही प्रसाद बनेगा। उसके लिए ये पूरी प्रिपरेशन लाइक चूल्हा वगैरह बनाया जा रहा है। गैस वगैरह पे खाना नहीं बनता है, इसीलिए चूल्हा पे बनाया जाएगा कल खाना। तो जितना हो सके इसमें इतना क्लीनिनेस, इतनी शुद्धता से मतलब ये फेस्टिवल होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, बट पहले के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा नियम से किया जाता था। अभी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो चुका है, पर फिर भी नियम का पालन करना इज़ वेरी कंपलसरी, वरना भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। एंड मैंने थोड़ी सी मेहंदी वगैरह निकाल ली थी अपनी, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला था पहले निकालने का, सोचा आज थोड़ा बहुत जो भी होता है हल्का फुल्का निकाल लेती हूँ। ओके, तो अभी बज रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि शाम हो गई है। सुबह से सारा काम धंधा हुआ था, फिर आके मैंने एक अच्छी सी नैप ली, फिर थोड़ी सी मेहंदी वगैरह निकाली है, थोड़ी खुद को निकाली, उसे मतलब सिस्टर इन लॉ को भी निकाला है। सो अब जाके थोड़ा टाइम मिला है, अभी टाइम नहीं है, अभी जाके फिर मैंने खाना वाना ही बनाना है, जो रात का बनेगा खाना वो सब मैंने बनाना है। सो बेसिकली मेरे को एक्सप्लेन ये करना था इस व्लॉग में कि जो फेस्टिवल है 4 दिन का होता है, एंड मेनली जो फेस्टिवल का मोटिव होता है, ये हम लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, इसमें उनकी पूजा होती है। इसमें मेनली ऐसा होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में या जहाँ भी आप देखो, तो जो उगते हुए सनराइज होता है उनकी पूजा की जाती है। बट ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे सनराइज होते हुए नहीं, जब सूर्यास्त होता है तब हम उनकी पूजा करते हैं एंड उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, एंड ऐसा माना भी जाता है। और ये फेस्टिवल ऐसा नहीं कि अभी से, ये महाभारत के टाइम से चला रहा है, तो इसकी काफ़ी अच्छी खासी हिस्ट्री है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी अगले व्लॉग में भी। अभी मैंने छोटा सा आपको एक हिंट दे दिया था कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, एंड बस मैं सोच रही हूँ व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँ। ऑलरेडी खांसी से परेशान हूँ एंड ठंड यहाँ पर बड़ी खतरनाक वाली है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट कल का जो व्लॉग होगा, जो होगा खरना का, जिसमें बेसिकली खीर बनेगी, रोटी वगैरह बनेगी एंड प्रसाद वगैरह भोग चढ़ेगा भगवान जी को, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो आज के लिए बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग फॉर थम्स अप, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।